क्या आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह के स्ट्रेस से परेशान हैं? अपने लाइफ के गोल्स को सेट नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपका ज्यादातर टाइम डे ड्रीमिंग में चला जाता है? नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बुक की समरी लेकर आए हैं, जो रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी गई है। इसमें ऑथर ने बताया है कि किस तरह हम इस भागदौड़ वाली लाइफ में स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जहां सारे लोग पैसे को कमाने में लगे हुए हैं, पर ये नहीं पता कि कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करना है। इस बुक को पढ़कर आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस कैसे दूर कर सकते हो। इस किताब में 7 प्रिंसिपल दिए गए हैं, जिन्हें जानकर आप शांति और सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बुक समरी। यह कहानी जूलियन नाम के एक अमीर आदमी की है, जो बहुत बड़ा लॉयर था। जूलियन के पास सब कुछ था, एक ल्यूक्रेटिव जॉब, बंगला और फरारी जैसी महंगी गाड़ी। उसने जिंदगी में सब कुछ पा लिया था, फिर भी वो खुश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। हर चीज तो है उसके पास, फिर भी वो संतुष्ट क्यों नहीं है। कहने को तो जूलियन के पास हर वो चीज थी जिसे वो पाना चाहता था, लेकिन वो हमेशा अपने प्रोफेशन के स्ट्रेस में रहता था। वो 55 साल की उम्र में ही 80 साल का दिखता था। उसके बाल भी समय से पहले ही सफेद हो गए थे। जूलियन ने बचपन से ही सोचा था कि जब वो बहुत अमीर बनेगा तो बहुत ज्यादा खुश रहेगा। समाज की भी यही सोच है, लोग पैसे को खुशी से जोड़कर देखते हैं, इसलिए बचपन से ही हमारी भी ऐसी ही सोच बन जाती है। हमें लगता है कि पैसे से हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर जूलियन को पता चला कि उसका सोचना गलत था। यह जरूरी नहीं है कि पैसा आपको खुशी दे देगा। उसके पास तो अंधाधुंध पैसा था, लेकिन खुशी फिर भी नहीं थी। आखिर एक दिन हद ही हो गई। जूलियन को हार्ट अटैक आ गया, उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि अब उसे स्ट्रेस वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। कुछ दिन बाद जूलियन ठीक होकर घर वापस आ गया और सबसे पहले उसने अपना घर और फरारी गाड़ी बेच दी। वो अब खुशी की तलाश में जाना चाहता था, इसलिए वो इंडिया आ गया। यहाँ पर वो हिमालय में शिवान साधुओं के पास ज्ञान और खुशी के सीक्रेट पाने चला गया। वहां उसे एक शिवान मॉन्क मिला, जो उसे संतुष्ट जिंदगी का रहस्य बताने के लिए तैयार हो गया। जूलियन उसके साथ रहने लगा। एक दिन उस मॉन्क ने जूलियन को सुमो रेसलर की कहानी सुनाई। सुमो रेसलर की कहानी सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस बुक को कुकू FM ऐप पर भी सुन सकते हैं। कुकू FM ऐप मेड इन इंडिया ऐप है, और इस ऐप पे आपको 10,000 से भी ज्यादा बुक समरीज मिलती हैं, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी और आपके गोल्स को अचीव करने में मोटिवेट करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप दुनिया की बेस्ट किताबों को सिर्फ हिंदी में ही नहीं, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हैं। इससे आप सबको वो नॉलेज मिलेगी जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इंडिया की बेस्ट ऑडियो बुक समरी ऐप कुकू FM को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 50% ऑफ पाने के लिए DVOBF3577 कूपन कोड जरूर यूज करें। तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकू FM ऐप और यूज कीजिए DVOBF3577 कूपन कोड। सुमो रेसलर की कहानी कुछ इस तरह थी। मॉन्क ने जूलियन से कहा, सोचो कि तुम एक गार्डन में हो। गार्डन में तरह तरह के सुंदर फूल खिले हुए हैं, जिनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। पक्षी चहचहा रहे हैं। गार्डन के एक तरफ एक बड़ा सा लाइट हाउस है। तभी उस लाइट हाउस का गेट खुलता है और एक बड़ा सा सुमो रेसलर बाहर आता है। सुमो रेसलर ने पूरे शरीर पर कुछ नहीं पहन रखा था, केवल एक पतली तार वाला अंडरवियर ही पहन रखा था। सुमो रेसलर गार्डन में घूमने लगता है, तभी उसे एक गोल्डन घड़ी दिखती है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल कर गिर जाता है। गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद गुलाब के फूलों की सुगंध से सुमो रेसलर को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। उसे एक रास्ता दिखता है जिस पर डायमंड्स बिछे हुए होते हैं। वह रास्ता सच्ची खुशी की तरफ ले जाता था। सुमो रेसलर उस रास्ते पर चलने लगा और जल्दी ही गायब हो गया। यहाँ पर मॉन्क ने कहानी खत्म कर दी। जूलियन को यह कहानी बकवास सी लगी। इसका ना ही कोई सिर था, ना ही पैर। उसने मॉन्क से कहा,
कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन मॉन्क ने कहा कि इस अटपटी कहानी में 7 सीक्रेट प्रिंसिपल्स छुपे हुए हैं। इसके बाद मॉन्क ने जूलियन को 7 प्रिंसिपल समझाए, जो इस प्रकार है। फर्स्ट, द गार्डन। कहानी में जो गार्डन है वो हमारे दिमाग को दर्शाता है, इसे मेटाफर कहते हैं। अगर हम गार्डन में अच्छे बीज डालेंगे तो हमें अच्छे फल देने वाले पेड़ और खुशबूदार फूल मिलेंगे, लेकिन अगर गंदगी डालेंगे तो दुर्गंध आएगी, गार्डन गंदगी का ढेर बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें। दूसरों के लिए काइंडनेस, सिंपैथी और हेल्प के थॉट्स ही ब्रेन में पालें। इससे आपका ब्रेन एक सुंदर गार्डन सा महकता रहेगा। इससे आपको सच्ची खुशी और पीस ऑफ माइंड मिलता रहेगा। कभी भी नेगेटिव न सोचें, बुरे विचारों से दूर रहें, जलन, बदला और गुस्से के थॉट्स कभी भी दिमाग में न लाएं, क्योंकि इनसे आपका दिमाग कूड़े का ढेर बन जाएगा। आपको सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन ही मिलेगी। इसलिए एक चौकीदार की तरह गलत विचारों को ब्रेन से बाहर ही रखें, उन्हें अंदर ही ना आने दें। हमेशा अपने ब्रेन के गार्डन को सुंदर बनाए रखें। सेकंड, द लाइट हाउस। गार्डन में जो लाइट हाउस था वो हमारे गोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाइट हाउस समुन्दर के जहाजों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही आपका गोल आपकी लाइफ को सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाता है और आपको भटकने से बचाता है। इसलिए आप भी अपने लिए गोल बनाइए और लगातार उस पर चलते रहिए। इससे आप अपने गोल्स को पा लेंगे और भटकाव से बचे रहेंगे। बहुत से टीनेजर गलत आदतों में पड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने लिए एक सुटेबल गोल नहीं बनाते। गोल का मतलब नौकरी या गाड़ी बंगला ही नहीं है, बल्कि गोल शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है। जैसे कोई टीनेजर अगर बॉडी बनाने का गोल बना ले और डेली 5-10 मिनट भी एक्सरसाइज करता रहे तो भटकने से बच जाएगा, क्योंकि अब उसके पास गोल है जो उसे लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाता रहेगा। वह किसी बुरी आदत में फंसने से बच, इसलिए अपने लिए उचित गोल बनाइए और उसे फॉलो करें। थर्ड, सुमो रेसलर। लाइट हाउस से जो सुमो रेसलर निकल कर आता है वो काइजन का साइन है। काइजन एक जापानीज ट्रेडिशन है जिसका मतलब है लगातार सीखते रहना और इम्प्रूवमेंट करते रहना। आपने कभी सोचा है कि सुमो रेसलर इतने भारी भरकम कैसे हो जाते हैं और इतने अच्छे रेसलर कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वे काइजन के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर डाइट लेते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। ऐसा नहीं करते कि 1-2 महीने जो जमकर प्रैक्टिस की और फिर 6 महीने कोई अता पता भी नहीं है। सुमो रेसलर हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, बेशक थोड़ी देर करें लेकिन रोज करते हैं। अगर आप हर दिन 10 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे तो 1 साल बाद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। आपका वेट कम होगा, आप यंग दिखेंगे, बॉडी स्लिम और टोन भी हो जाएगी। ऐसे ही हर दिन 30 मिनट भी लिखने की आदत डाल लेंगे तो 1 साल बाद आप देखेंगे कि आपने एक किताब लिख डाली है। इस तरह आप काइजन टेक्निक को लाइफ में कभी भी लगा सकते हैं। हमेशा कुछ नया सीखें और हर दिन सीखें, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स लाते रहें। नया सीखने का सबसे बेहतर तरीका है हर दिन मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, क्योंकि बुक्स आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे बुक्स की समरी आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी, जहां हम रोज एक नई बुक समरी जरूर लेकर आते हैं। डिटेल में इन बुक्स को पढ़ने के लिए आप बुक्स को अमेज़न से मंगवा सकते हैं। हमने बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। फोर्थ, द अंडरवियर। सुमो रेसलर का अंडरवियर सेल्फ कंट्रोल को दर्शाता है। सुमो रेसलर का अंडरवियर केबल वायर से बना होता है जो देखने में बहुत पतली होती है, लेकिन उसके अंदर मेटल की बहुत सारी पतली वायर्स होती हैं। जब सारी तारें इकट्ठी हो जाती हैं तो फाइनल वायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। दोस्तों, सुमो रेसलर वैसे तो कुछ भी नहीं पहनता, लेकिन उसका छोटा सा अंडरवियर उसकी सारी इज्जत को बचा कर रखता है। इसलिए सबको सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहिए। कुछ सेलिब्रिटी के पास नेम, फेम और पैसा सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं और किसी को हैरेस करते हैं तो फिर वे कहीं के नहीं रहते। जब उन पर ऐसे आरोप लगते हैं तो उनकी सारी इज्जत चली जाती है और अपने कैरियर से हाथ धो बैठते हैं। हमें भी सेल्फ कंट्रोल को यूज करना सीखना चाहिए। कुछ लोग बड़े शौक से जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पेन होता है तो वे सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते और जिम जाना छोड़ देते हैं।
अगर वे उस पेन पर सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो एक दिन बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी भी जरूर पा लेंगे। सेल्फ कंट्रोल से लाइफ में हर चीज में सफलता मिल जाती है। फिफ्थ, द गोल्डन वॉच। सुमो रेसलर को जो गोल्डन वॉच मिलती है वो हमारे लाइफ में टाइम की वैल्यू को दर्शाती है। हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर चाहे वो कोई मिलियनेयर हो या कोई गरीब आदमी, लेकिन हर कोई इन 24 घंटों को अपने अपने तरीके से बिताता है। कुछ लोग घंटों बैठकर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि एक दिन बहुत सा पैसा कमाएंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, लेकिन वे करते कुछ नहीं है। लेकिन उसी समय कोई उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा होता है। जैसे कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई यूट्यूबर वीडियोस बना रहा होता है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। डे ड्रीमिंग करनी चाहिए लेकिन कुछ हद तक, उसके बाद अपना गोल पाने के लिए मेहनत में जुट जाना चाहिए। कुछ लोग सुबह 10 बजे सोकर उठते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग जिम से वर्कआउट करके भी आ चुके होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमें 24 घंटे काम ही करते रहना चाहिए, लेकिन जो आपके गोल हैं उन्हें पूरा करने के लिए तो समय देना पड़ेगा। जैसे अगर बॉडी बनानी है तो उसके सपने मत देखते रहिए, उठिए और शुरू हो जाइए। एक डिसिप्लिन बनाइए और रेगुलरली वो चीज करिए। सिक्स्थ, फ्रेग्रेंट रोज। फ्रेग्रेंट रोज दर्शाता है कि हमें सोसाइटी को हमेशा कुछ देना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल अपनी सुगंध अपने पास नहीं रखता बल्कि सब में बांट देता है। इसलिए आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, थोड़ी बहुत चैरिटी जरूर करनी चाहिए। इससे दूसरों का भी भला नहीं होगा बल्कि आपको भी बेहद खुशी मिलेगी। आपके अंदर से आवाज आएगी कि आप एक अच्छे इंसान हो और आपका दिल खुशी से भर उठेगा। एक कहावत भी है, जो दूसरे को गुलाब का फूल देता है उसके हाथों में भी गुलाब की खुशबू रह जाती है। अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो आप लोगों को रिस्पेक्ट और काइंडनेस तो दे ही सकते हैं, इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। 7, पाथ ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स वाला रास्ता लाइफ की छोटी छोटी खुशियों का साइन है। सबकी लाइफ में छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो रियलिटी में डायमंड जैसी होती हैं, लेकिन हमारे ईगो की वजह से हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। हम कभी भी प्रेजेंट में नहीं जीते, बस पास्ट के फेलियर्स पर अफसोस करते रहते हैं या फ्यूचर की चिंताओं में उलझे रहते हैं। डायमंड पाथ हमें बताता है कि आज में जीना सीखो और डायमंड जैसी खुशियां जो आपके चारों ओर बिखरी हैं उन्हें इंजॉय करना सीखो। इन खुशियों के हजारों लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे माँ के साथ बैठकर बातें करना, गजल या कविता लिखना, गार्डन में फूलों को देखना, बच्चों के साथ खेलना, सॉन्ग सुनना, अच्छी किताब पढ़ना, दोस्तों के साथ चाय पीना, एक्सेट्रा। इस तरह आप हर दिन हर पल खुशी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़ो और प्रेजेंट के डायमंड पाथ पर खुशी से चलते रहो। दोस्तों, इस तरह उस सिवान मॉन्क ने जूलियन को जिंदगी जीने के ये 7 प्रिंसिपल एक स्टोरी के जरिए बताए। इसके बाद जूलियन वापस घर लौट आया। अब वह उन 7 नियमों का पालन करने लगा। इससे उसे जीवन की सच्ची खुशी हासिल हुई। अब वह बहुत यंग और हेल्दी भी दिखने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था और मुस्कान रहती थी। उसे दोबारा कभी स्ट्रेस और डिप्रेशन भी नहीं हुआ और उसकी बाकी बची सारी जिंदगी खुशी खुशी बीतने लगी। तो दोस्तों, आपको इस अमेजिंग बुक की समरी कैसी लगी? इस समरी को अपने दोस्तों और लव वंस के साथ फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। हो सकता है कोई स्ट्रेस में हो, उसे इस समरी से काफी हेल्प मिल सकती है। दोस्तों, आप इस बुक को घर बैठे अमेज़न से भी मंगवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।